ये 214 है। अब 214 को क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, आ गया 71 आया। अब मुझे क्या करना है, 71 को फर्दर 3 से डिवाइड करना है, अंडरस्टैंड नाउ। 23 को फिर हमें फर्दर 3 से डिवाइड करना है, 21 को 7 को फर्दर 3 से डिवाइड करना है, 2 को फर्दर हमें 3 से डिवाइड करना है। जब 2 को हम जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, अंडरस्टैंड क्लियर सभी को। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि जब हमारे पास 0 आ जाएगा तो यहाँ पर हम डिवाइड करने वाली प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी आंसर हमारे पास आए हैं इन सबको ऐड करना है। तो ये क्या होगा, 71 प्लस 23 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0, कितना हो जाएगा ये,